तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है एक बार मेरे जितने भी आर्मी AOC भर्ती के स्टूडेंट्स हैं, AOC मतलब आर्मी ऑर्डिनेंस कॉप्स के, बिल्कुल जितने भी AOC भर्ती के बच्चे थे उनका फाइनली फिजिकल खत्म हो गया है और आप सब जानना चाह रहे हैं कि अब सर आगे क्या होने वाला है। तो ऑब्वियसली आगे आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाला है, आज उसी को लेकर एक डिटेल में बात करेंगे बच्चा, कि आपका एडमिट कार्ड कब आ जाएगा आपके मेल पे, एग्ज़ाम कब शेड्यूल है और सारी बातें, सिलेबस क्या आता है, इसमें सिस्टम्स क्या होता है और कैसे मेजर कल्सी क्लासेस से जुड़ करके बेटा इसकी आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। कहीं मत भटकिएगा, मेजर कल्सी क्लासेस में स्पेशल बैच हमने AOC की बना दी है, जिसमें फटाफट आइए बेटा, जहाँ भी देश के किसी भी कोने से हों तेजी के साथ बैग पैक करिए, हमारे पास आइए, जो भी समय हमें इधर मिलेगा बेटा इसमें हम आपका पूरा सिलेबस बिल्कुल जीरो से लेकर टॉप तक कवर करा देंगे। तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर फटाफट MKC आइए, उसके लिए कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर और कॉल करके फटाफट सीट बुक कर लीजिए। बच्चे पूरे भारत से हर कोने से MKC से जुड़ने के लिए, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है कि 5 साल बाद ये भर्ती आई ट्रेड्समैन की और फायरमैन की, 1793 टोटल वैकेंसीज में है और 27 अप्रैल को आपको देखें कि AOC का ट्रेड्समैन का और फायरमैन का कंप्लीट फिजिकल डन हो गया। अब सभी बच्चे रिटर्न एग्जाम के इंतजार में हैं। बात करें फिजिकल की तो ट्रेड्समैन मेट में लगभग 50% कैंडिडेट ने जो है फिजिकल क्वालिफाई किया, मतलब ट्रेड्समैन में जो बच्चे वहाँ रिपोर्ट किए थे उसमें लमसम 50% के आसपास बच्चे रहे जो फिजिकल फाइनली क्वालिफाई किए हैं। अगर हम फायरमैन में देखने की कोशिश करें तो लमसम 90% कैंडिडेट रहे जो फाइनली फिजिकल को बच्चा क्वालिफाई किए हैं। सभी सिलेक्टेड बच्चों को बहुत सारी बधाई। मैं समझता हूँ कि आप सबने मेहनत की और मेहनत करके आप इस फिजिकल को क्रैक किए, क्योंकि इसका फिजिकल वाकई में वैल्यू रखता था और आप सबने बड़ी ईमानदारी से तैयारी करके ये चीज़ किया होगा। वैसे तो अभी ऑफिशियली AOC की कोई एग्जाम डेट नहीं आई है। AOC यूनिट में बताया गया है कि ट्रेड्समैन मेट के एग्जाम को जो है 25 मई से लेकर 28 मई तक रखा गया, मतलब जितने भी ट्रेड्समैन मेट कैटेगरी के हमारे बच्चे हैं उनका जो है 25 से 28 मई के बीच शेड्यूल है। जैसे ही आपको मेल पे एडमिट कार्ड आएगा ये चीज़ पता चल जाएगी, लेकिन अभी मैं बता दूं कि थोड़ा सा डेट टलने के भी चांस है। जैसे फायरमैन की बात कर लें तो 14 मई से लेकर 15 मई तक का प्रोजेक्शन दिखाया जाए, बट एक्सपेक्टेड यही है कि अभी जो है ये डेट थोड़ा सा टलेंगी। तो बेटा ये है कि बैठ करके इंतजार मत करिए, तैयारी में लग जाइए। एक बार रिटर्न भी अच्छे से आपको करना पड़ेगा, जैसे इतना मेहनत बेटा करके फिजिकल किए हैं तो थोड़ी सी मेहनत और लगेगी और MKC के साथ जुड़ के बढ़िया आपका रिटर्न भी हो जाएगा, ठीक बच्चा। और बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, बड़ा ही जेन्युइन सिलेबस है, अच्छे से हम पढ़ा देंगे, इंडिविजुअल इसी फोकस बैच बना के पढ़ा देंगे, बढ़िया से कवर हो जाएगा, जिससे हर बच्चा जाकर के रिटर्न एग्जाम में बेहतर कर पाएगा। तो आपके लिए मान लीजिए कि तैयारी का समय ज्यादा मिलने वाला, एक्सपेक्टेड डेट बताइए, बट डेट बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। अंदर की बात मैं आपको बता दूं, जितने भी कैंडिडेट उसी ट्रेड्समैन और फायरमैन की फिजिकल क्वालिफाई कर चुके जल्द से जल्द अब आपको जो है रिटर्न के प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए बिना एक दिन गंवाएं। एग्जाम जो होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, पेपर भी सुन लो क्या क्या आने वाला है बेटा। तो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग मतलब आपका रीजनिंग वाला पार्ट है, 25 क्वेश्चन है, 25 ही नंबर है। अर्थमेटिक का पार्ट है मतलब अंगणित का पार्ट है, आपका 25 क्वेश्चन है, 25 नंबर है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मतलब अर्थमेटिक, आपका अंगणित बच्चा 25 क्वेश्चन 25 है। जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस दोनों में 50 क्वेश्चन है, तो मतलब मान लो 25-25 यहाँ भी बढ़ जाता है, तो 50 क्वेश्चन है, 50 नंबर यहाँ भी है। एक और सेगमेंट इसमें बढ़ाया गया है स्पेशलाइज्ड टॉपिक, मतलब उसके 50 क्वेश्चन रखे गए हैं, मतलब फायर से रिलेटेड जितने स्पेशल क्वेश्चन हैं उसके अंतर्गत वो रखे जाएंगे। जैसे जनरल अवेयरनेस एक अलग चीज़ हो गई, बट स्पेशलाइज टॉपिक मतलब जिस सेगमेंट में, जैसे ट्रेड्स मैट में आप जा रहे हैं तो जो कैटेगरी में स्पेशलाइज्ड आप हैं, जिसके लिए आप प्रेफरेंसेस रख रहे हैं, उस कैटेगरी के स्पेशल भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो 50 क्वेश्चन हो भी स्पेशल होंगे। तो टोटल 150 क्वेश्चन है भैया, 150 नंबर है, 2 घंटे का समय आपको मिलेगा, तो टाइम मैनेजमेंट बड़ा ज़रूरी है, अच्छे से पढ़ाई होगी, प्रैक्टिस होगी, बढ़िया से मॉक दिए रहेंगे, तभी आप में आत्मविश्वास आएगा। और 20 मिनट बच्चा एक्स्ट्रा मिलेगा उन बच्चों को जो हैंडीकैप कैटेगरी में आ रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 की है, दैट मीन आपका जो है जो भी है 1/4 उसमें से आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो बहुत सोच समझ के करना है, जो करना है सही करना है। अब थोड़ा सा सिलेबस वगैरह भी आप जानना चाह रहे हैं क्या है, तो सिलेबस को भी डिस्कस कर ही लेते हैं। देखो रीजनिंग पार्ट अच्छे से, जिसमें एनालॉजी है बेटा, सिमिलैरिटी एंड वेरियंस है आपका, प्लेस विजुअलाइजेशन है बच्चा, उसके साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एनालिसिस है, विजुअल मेमोरी से क्वेश्चन बनेंगे, डिस्टिंक्शन से क्वेश्चंस बनेंगे आपका, ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चंस आपके बनेंगे, फिर साथ ही साथ रिलेशन कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, न्यूमेरिकल मैथमेटिक रीजनिंग पे भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, अर्थमेटिक नंबर सीरीज पे भी क्वेश्चन बन रहे हैं, कोड जो है राइटिंग एंड कोड इंटरप्रिटेशन से भी आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं वहाँ पे। जनरल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं तो डिटेल में जनरल अवेयरनेस की ही पहली बात कर लेता हूँ मैं, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉन्ट्रोवर्सी टॉपिक हो गए, साइंटिफिक प्रोग्रेस हो गया, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स जितने हैं बच्चा, इंडियन लैंग्वेजेज हो गए भैया, किताब जो फेमस है, इंडियन एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज से रिलेशनशिप से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हिस्ट्री एंड नेबरिंग कंट्रीज पे भी रिलेशन पे क्वेश्चन बनेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो गया, कल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक सिनेरियो हो गया, तो ये सारा टॉपिक है जो बेटा जनरल अवेयरनेस में कवर होगा। उसको बढ़िया ढंग से आप MKC में आएंगे तो अच्छे से कवर कर देंगे बेटा, और क्वेश्चन भी आपको कवर कर देंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे।
आएंगे। फिर आपका आता है जनरल लैंग्वेज, जिसमें ईडीएम एंड फ्रेजेस हो गया आपका, एक्टिव एंड पैसिव वाइज हो गया, एरर स्पॉटिंग हो गया आपका, पैरा जंबल हो गया, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स आपका हो गया बच्चा, स्पेलिंग्स हो गई, क्लोज टेस्ट हो गया, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आपके हो गए, पैरा फिलर्स हो गए आपके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए। तो ये पूरा इंग्लिश का सिलेबस, इसको भी आएंगे तो अच्छे से कवर करेंगे। वहीं अंगणित की बात कर लें, प्रॉफिट लॉस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है, रेशियो प्रोपोर्शन मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम है, नंबर सीरीज है, सीक्वेंस सीरीज है, परसेंटेज टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, भैया मेंसुरेशन से, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो है रिटर्न एग्जाम जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई कर लेंगे, रिटर्न के रिजल्ट का मार्क्स शो नहीं होता है, कल उनका नाम और जो है इनरोलमेंट नंबर जो होता है वो शो कर दिया जाता है। फिर इसके बाद आप मेडिकल टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरेंगे, जिसमें एओसी द्वारा डिसाइडेड मेडिकल सेंटर पर कैंडिडेट को रिपोर्ट करना होता है। फिर मेडिकल क्वालिफाइड कैंडिडेट जो होते हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, फिर उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो मेडिकल को लेकर भी मत घबराना है, क्योंकि मेडिकल से आ जाओगे तो मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर प्रॉपर प्री मेडिकल सेंटर है पूरे भारत का, जिसका आपको हिस्सा बना देंगे बच्चा, और फाइनली आपका मेडिकल भी बढ़िया ढंग से हो जाएगा। तो मतलब मेडिकल से क्लासेस में आपका ओवरऑल इसका तैयारी बढ़िया से हो गया, सिलेबस भी समझ गए हो, एग्जाम डेट भी मोटा मोटा क्लियर कर दिए हैं, लेकिन बढ़े की ये बात बता दिए, मेल पे ही एडमिट कार्ड आ जाएगा और टेस्ट सेंटर वो अलॉट करेंगे, उसी के अनुसार आपको उस सेंटर पे रिपोर्ट, वो एडमिट कार्ड आएगा उसमें लोकेशन सेंटर सब बताया रहेगा, तो वहीं पे आपको रिपोर्ट करके जो है बच्चा बकायदे अपना टेस्ट बढ़िया से देना है। 150 क्वेश्चन आएंगे बेटा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो कट ऑफ भी इतना हल्का नहीं जाने वाला है, कट ऑफ भी ठीक ठाक जाएगा बेटा, 80% से नीचे का दिमाग में रख के ना चलें आप, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मेहनत करना है तो आइए मेजिकल सी क्लासेस, कॉल करके 9696330333 पर। विश यू ऑल गुड लक, जय हिंद, जय भारत।